आज हमारी करुणा रेखी की क्लास है। अधिकतर लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो लोग हमेशा ये पूछते हैं कि मैम आप जैसे हम लोग ग्रैंड मास्टर शिप अभी हमारा चल भी रहा है रेकी ग्रैंड मास्टर का, तो रेकी ग्रैंड मास्टर के अंदर और करुणा रेकी के अंदर या कोई भी रेकी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए ग्रैंड मास्टर शिप जो है जो हमारा ये रेकी, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जो हमारे लेवल 5 होते हैं रेकी की ग्रैंड मास्टरशिप के, मेन हमारा रेकी वही होता है जो हमारी डॉक्टर मिकाओशी के द्वारा हमें मिली है। उसके अलावा जो भी हमारे आते गए न्यू न्यू जिन लोगों ने भी रेकी सीखा या आगे आगे बढ़ते चले गए, तो सबने उसको अपने अपने नाम दे दिए। उस तरीके से अलग अलग तरीके की रेकी मार्केट में आने लग गई है। करुणा रेखी एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है, बहुत ही पुराने से ये चली आ रही है। जैसे कि डॉक्टर मिकाओशी ने, इसके लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए डॉक्टर मिकाओशी का, क्योंकि डॉक्टर मिकाओशी ने जो रेखी को बनाया, जो कि हमारे भारत की ही वैसे एक विद्या थी, लेकिन हमारे भारत से, एक मिनट जरा होल्ड करिए, जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर मिकाओशी ने जो कि हमारी विद्या, हमारी इंडिया की ही थी ये विद्या, जो कि जापान में जाके फिर से पुनः आविष्कार होकर हमारे इंडिया में वापस आई, उसी तरीके से जैसे जैसे मास्टर्स बढ़ते चले गए, उन्होंने आगे आगे और न्यू न्यू इन्वेंशंस करती चले गए, तो करुणा रेखी भी उसी का एक पार्ट है। करुणा रेखी हमारी बहुत एशियन टाइम से, अगर आपको मालूम होगा कि लोगों को एक कहते ना प्रेम दया ये सब चीजों से के लिए हम लोग सिखाया जाता था बचपन से ही, जो कि आज इस अब धीरे धीरे ये चीजें कम होती जा रही हैं, तो उन्हीं चीजों को और ज्यादा अच्छे से, उन्हीं चीजों को और ज्यादा उसकी एक सिंबल्स के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से उसको प्रेजेंट किया गया है। ठीक है डॉक्टर, ये है हमारी मदर क्वाइन। ठीक है मदर क्वाइन है जो है, ये एक देवी है करुणा रेखी की, जो देवी है वो मदर क्वाइन है। ये हमारी चाइनीज, यहाँ पे चाइना में अगर आप देखेंगे तो इनके अलग अलग टेम्पल्स बने हुए हैं जहां पर इनकी पूजा की जाती है, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं इनके। इनको करुणा की देवी कहा जाता है। ये हमारे को जैसे, ये एक बुद्धिस्ट थी, इन्होंने बहुत तपस्या करी और इनको जब इनका मोक्ष का समय आया तो इन्होंने मोक्ष नहीं लिया, और जब इन्होंने मोक्ष नहीं लिया तो ये बौद्धिक सत्वा बनी। बौद्धिक सत्वा मतलब कि जो लोग बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इन्होंने मोक्ष को नहीं लिया, इन्होंने बोला कि मुझे संसार में रहना है और मुझे उन लोगों की सेवा करनी है जो लोग सचमुच में एक दर्द के अंदर है, जिन लोगों के अंदर बहुत दर्द है, मुझे उन लोगों की सेवा करनी है और मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ, उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, उन लोगों को हील करना चाहती हूँ उनके उन दर्द से। तब ये यहाँ पर आई और ये अभी भी माना जाता है कि ये अभी भी यहाँ पर है। अब ये कहाँ से जनरेट कहाँ से हुई, डॉक्टर विलियम ली रैंड, इन्होंने इसका आविष्कार करा। मेन जैसे डॉक्टर मिकाओशी, जिनको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, जिन्होंने रेकी को बनाया, उसी के बाद डॉक्टर ली रैंड जी ने इसको आगे बढ़ाया। इसके अंदर बहुत सारे, इसको सिंबल्स के माध्यम से, हीलिंग्स के माध्यम से, मेडिटेशंस के माध्यम से इन्होंने एक कोर्स को डेवलप करा 1995 में, जिसका नाम है करुणा रेकी। करुणा क्या है, करुणा क्या होता है, करुणा एक ऐसी एनर्जी है जो प्रेम की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, जो हमको प्रेम करना सिखाती है, जो हमें सिखाती है कि हमें कैसे दूसरों के प्रति अपने प्रेम की भावना रखनी है, दूसरों को प्यार देना है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हम दूसरों को तभी प्यार कर सकते हैं जब हम अपने आप से प्यार करते हैं। ठीक है तो मेन क्या है, करुणा रेखी इज द एनर्जी ऑफ कंपैशन इन एक्शन, सो इट टीच अस टू हैव अ मोर कंपैशन नॉट ओनली फॉर अदर बट ऑल्सो फॉर आर सेल्फ। समझे, कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा दयालु नहीं होना है, हमें खुद के प्रति दयालु होना है। अगर हम खुद से अपना प्रेम करेंगे, अगर हम खुद के प्रति दयालु होंगे, तो हमें दूसरों से प्रेम ऑटोमेटिकली होगा। जब भी आप देखेंगे कि अगर आपका मन शांत है,
अगर आपके मन में हर प्रकार की शांति है, आपको किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, तो आप दूसरों के साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप खुद की जिंदगी में परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, तो आप दूसरों के साथ उतना अच्छा अपने लाइफ को कनेक्ट नहीं करते। तो जो सबसे पहला जो रूल है करुणा रेखी का, वो यही है कि आपके अंदर सेल्फ लविंग की भावना। अब सेल्फ लविंग की भावना के लिए अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बोलूं, कि आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने हार्ट चक्र यानी कि अपने हृदय पर, अपने सीधे हाथ को रखें अपने हृदय पर और अपनी आंखें बंद करें और 21 बार बोलें, आई लव, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है आई लव उपासना, आई लव उपासना, या फिर आप ये बोले आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आप एक बार, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इसको करके देखिए। अभी के अभी सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने राइट हैंड को अपने हृदय चक्र यानी कि अपने हार्ट के ऊपर रखें। ये हमारा हृदय चक्र है, अपने हार्ट के ऊपर आपने रखना है। अपनी आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, या आई लव उपासना, आई लव उपासना, आई लव उपासना, एक फीलिंग के साथ आपको बोलना है आई लव उपासना, 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 आई लव, आई लव उपासना, 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 21 टाइम बोले। और अपनी आंखें खोलें। अब देखें अपने आप से, आपको प्रेम की भावना खुद के अंदर जागृत होगी, हुई कि नहीं हुई? जागृत हुई प्रेम की भावना अपने अंदर, हुई मैम, हुई ना? आई लव उपासना बोलना है क्या मैम? नहीं, उपासना तो मेरा नाम है, आप अपना मेरा नहीं, नाम खुद का आप आई अपना लव, नहीं। हाँ आई लव राजेश्री ऐसे बोलना। आप ऐसे बोलो आई लव राजश्री, या फिर आप बोले आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई ओके सेल्फ, आई लव आई माई लव, ओके, ओके बहुत थैंक यू शानदार मैम। मैडम। खुद से मतलब अपने को पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है तुरंत ही, मेरे को तो हो रही है। हाँ, अपने आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, अपने आप से प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर हम लोग दूसरों को प्रेम देने के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोच पाते। घर गृहस्थी परिवार, लेडीज घर गृहस्थी परिवार, आदमी लोग पैसे कमाने में, फैमिली को चलाने में इतने बिजी होते हैं कि वो अपने आप से प्रेम ही नहीं कर पाते, मतलब अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। और कुछ हमारे ऐसे संस्कार होते हैं, हम लोगों को बचपन से ऐसे संस्कार दिए गए होते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज के अंदर कि दूसरों के बारे में सोचो। हम मतलब अगर हम अपने ऊपर कुछ कर रहे हैं, अगर हम अच्छे अपने लिए अच्छा खाना खा रहे हैं अपनी पसंद का, अगर हम हमारे लिए अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो हमें ऐसा कहा जाता है, एक टैग लगा दिया जाता है कि हम सेल्फिश हैं, कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मेरी वाइफ बड़ी सेल्फिश है, मेरा हस्बैंड बड़ा मतलबी इंसान है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना। बच्चे बड़े होके ना बड़े मतलबी हो जाते हैं, बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, बस अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो हम उनको ये टैग दे देते हैं। तो जो लोगों का इमोशनल होते हैं ना, वो लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, और फिर वो धीरे 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 दुनिया वालों के लिए करने शुरू हो जाते हैं और अपने बारे, अपने आप को धीरे धीरे भूल ही जाते हैं। और जब वो अपने आप को भूल जाते हैं, तो उनके हार्ट चक्र ब्लॉक होने लग जाते हैं, और जब उनका हार्ट चक्र ब्लॉक होने लगता है, तो फिर हर तरह की तकलीफें जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। इंसान को पैसों का प्रॉब्लम आने, चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ का सबसे ज्यादा तो हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, पैसों के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, और रिलेशनशिप के इश्यू भी इसलिए आने शुरू हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक भावना आ जाती है कि यार हम तो सबके लिए करते ही जा रहे हैं, हमारा तो कोई है नहीं, हमारे लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। इस तरीके की भावनाओं के साथ हम हमारे जीवन को जीना शुरू हो जाते हैं, और वो ऐसा दर्द होता है जो हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता कि वो दर्द हमारे अंदर है। हम अपनी बातों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, और फिर हमारा थॉट चक्र ब्लॉक हो जाता है,
हमारी थर्ड आई ब्लॉक हो जाती है। इस तरीके से हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, 24 बॉडी पार्ट जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वहां पर ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। फिर हमारे चक्रास में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, फिर हमारे जीवन में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा ऑरा जो होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो हमें उस चीज को ठीक करना है करुणा रेखी के माध्यम से, हमें उन चीजों के ऊपर काम करना है। तो बेसिकली इसका जो मतलब है वो यही है कि हमें अपने आप से प्रेम करना है, अपनी भावनाओं के साथ में प्रेम करना है, अपने आप के साथ में पॉजिटिव होना है। जब हम हमारे आप से प्रेम करते हैं, अपनी भावनाओं के साथ प्रेम करते हैं, अपने आप के साथ पॉजिटिव होते हैं, तो हम जीवन को, दुनिया को एक पॉजिटिव नजर से देख पाते हैं, अपनी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। क्योंकि जब हम पॉजिटिव होंगे तो हम दुनिया को पॉजिटिव नजरों से देखेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, तो हम बहुत जल्दी अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल नहीं टैग रखना है कि अगर हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं तो हम एक सेल्फिश व्यक्ति हैं। नहीं, हम एक सेल्फिश व्यक्ति नहीं है, हम एक सेल्फ लवर व्यक्ति, और हर एक व्यक्ति को सेल्फ लवर होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारे अंदर करुणा का भाव आएगा। अगर हमारे अंदर ये भावना नहीं होगी, अपने आप से प्रेम की भावना नहीं होगी, तो हमारे अंदर करुणा की भावना नहीं आएगी। अब देखें कि जब छोटा सा बच्चा होता है ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, जब हम उसको देखते हैं ना, चाहे वो किसी का भी हो, A to Z, चाहे वो किसी बहुत अमीर इंसान का हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति का हो, हमें उससे प्यार हो जाता है, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमारे चेहरे पे खुद ब खुद एक स्माइल आ जाती है उस बच्चे को देखकर। हमारा दिल करता है कि हम इसको उठाएं, गोदी में लें, उसको प्यार करें, उसके लिए कुछ गिफ्ट लाएं, अगर ये हम कर सकते हैं तो। ठीक है, अपने अंदर हमारे आप वो भावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का ऑरा इतना अच्छा होता है, क्योंकि वो बच्चा तो एकदम, उसके अंदर तो किसी तरह का कोई छल कपट नहीं होता दुनिया के अंदर। हाँ, क्योंकि जब वो छोटा बच्चा होता है, बड़ा होने तक अलग बात है, लेकिन जब वो बच्चा होता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता। उसका ऑरा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही स्ट्रोंग होता है, जिसके कारण जब हम उस बच्चे के बारे में पास जाते हैं तो हमारा ऑरा भी अच्छा हो जाता है, हमारा मन भी अच्छा हो जाता है, हमारे अंदर एक अच्छी भावना आ जाती है, और हमारे शरीर की सारी जो थकान होती है वो निकल जाती है। तो मेन मकसद करुणा रेखी का यही होता है कि हमें अपने आप से प्रेम करना है। जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे तो हम दुनिया से प्रेम करेंगे, हम संसार से प्रेम करेंगे, और लोगों की हेल्प भी हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी उनसे प्रेम करेंगे, हमारे अंदर करुणा होगी। वैसा वाला प्यार नहीं जो एक लड़का और लड़की का होता है, मतलब एक करुणा जो एक माँ का, अपने बच्चे के प्रति होता है। माँ चाहे कैसी भी हो, मतलब अगर वो एक औरत है तो वो शायद वो एक अच्छी औरत ना हो, शायद वो एक सेल्फिश औरत हो, शायद वो एक मतलबी औरत हो, शायद वो एक लड़की औरत हो, लेकिन जब वो एक माँ है तो वो अपने बच्चे के लिए एक माँ है, एक करुणा की देवी। 99%, 99.9% माएं या फिर फादर भी अपने बच्चों के प्रति करुणामय होते हैं। फादर्स को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में मदर्स का नाम पहले आता है, तो प्लीज जो भी फादर्स हैं डोंट माइंड। ठीक है, तो इसलिए मैंने मदर का नाम पहले आता है, तो इसलिए मदर ही बार बार जुबान पर आता है, लेकिन फादर्स का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि एक माँ का होता है। ठीक है, तो 99.9 लेडी हमेशा अपने बच्चे को प्रेम करती हैं, कोई 1% ऊपर नीचे जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, और हर तरीके के लोग दुनिया में होते हैं। ठीक है, तो करुणा रेखी का जो मकसद है वो यही है कि प्रेम करना, अंतर आत्मा से करुणा हमारे अंदर, वो करुणा के भाव आने, हम सोल से, हम आत्मा से किसी को प्यार करना, आत्मा से अपने आप से प्यार करना, आत्मा से उस परमात्मा से प्यार करना। एक कहते हैं ना कि भगवान का, कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा का मिलन होना, मतलब वो प्रेम की भावनाओं को इतना ऊपर लेके जाना कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाना।